स्वागत है दोस्तों आप सभी का दोबारा से समाचार न्यूज चैनल यानी कॉमिक्स न्यूज अड्डा में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं नितिन मिश्रा जी का एक छोटा सा वीडियो। जी हाँ दोस्तों, राज कॉमिक्स भाई संजय गुप्ता जी ने एक वीडियो रिवील किया दोस्तों, जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ नितिन मिश्रा जी का। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया नितिन मिश्रा कौन है? तो नितिन मिश्रा वो है जिन्होंने नरक नाशक की सीरीज लिखी, साथ में दोस्तों नाग प्रलर आदि पर्व की पूरी गाथा रची है। दोस्तों इन्होंने ही इन्हीं के हाथों से और इन्हीं के दिमाग के ऊपर ये पूरी गाथा पहली बार ये सामने आए दोस्तों। और ये वीडियो जो है ये राज कॉमिक्स बार संजय गुप्ता जी ने इसे शेयर किया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के समक्ष भी इसे शेयर किया जाए और आप लोगों को रूबरू और मिलाया जाए दोस्तों नितिन मिश्रा जी से, जिन्होंने ये कहानी लिखी दोस्तों। ये देखने के लिए दोस्तों आप चैप्टर का यूज भी कर सकते हैं, तो आसानी से आप दोस्तों अपने पसंदीदा भाग को देख सकते हैं इन चैप्टरों का यूज करके। और दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर करना ना भूले, ताकि कॉमिक्स की जानकारी दिन ब दिन दोस्तों आगे फैलती रहे और बढ़ती रहे, ताकि हम भी कॉमिक्स इंडस्ट्री को दोस्तों सपोर्ट कर पाए। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं आपका राइटर, आपका दोस्त नितिन मिश्रा स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता की पेशकश आदि पर्व और नाग प्रलय के साथ, जी हाँ, ये बहुप्रतीक्षित दो कॉमिकें आज मेरे हाथ में हैं। यह अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज बात करेंगे इन दो सीरीज के बारे में, दो किताबों के बारे में नहीं, दो सीरीज जो है नाग ग्रंथ और प्रलय का देवता, इन सीरीज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट्स, कुछ ट्रिवियास, कुछ टिडबिट्स, जो रोचक तथ्य हैं उनको मैं आपके साथ साझा करूंगा। और सबसे पहले शुरुआत जो करते हैं वो हम करेंगे प्रलय का देवता से। जी हाँ, जैसा कि सब जानते हैं सन 2017 में जब राज कॉमिक्स ने तौसी के राइट्स एक्वायर किए थे, उस समय संजय जी ने एक आइडिया कंसीव किया था कि नागराज और तौसी, ये जो दो फ्लैग बेयरिंग कैरेक्टर्स हैं दो डिफरेंट पब्लिकेशंस के, उनको एक साथ एक कहानी में, एक कथानक में गढ़ना चाहिए। नागराज और तौसी, इनको साथ में रख करके जो कहानी सोची गई, जो कहानी बुनी गई, उस कहानी के पीछे की कहानी मैं आपको आज बताता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि भाई नितिन ऐसा है बेटा, तौसी के राइट्स हमने ले लिए है और इस तरीके से तुम्हें एक कहानी लिखनी है। तौसी, बहुत सारे आप में से रीडर्स ऐसे होंगे जिन्होंने बचपन में पढ़ा होगा, डेफिनेटली मैंने भी बचपन में तौसी को बहुत ज्यादा पढ़ा है, उसकी ज्यादातर कॉमिकें मेरी बचपन में ही पढ़ी हुई थी और इस किरदार से मेरी वाकिफियत जो थी वो बहुत पुरानी थी। और नागराज से तो ऑब्वियसली कुछ कहना नहीं है, अपना बच्चा है। ये जब दोनों किरदारों को एक साथ एक कहानी में लेने की बात आई, एक कहानी में एक दूसरे के सामने खड़ा करने की बात आई, तो संजय जी ने बहुत सारे पॉइंटर्स दिए थे व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू इन द स्टोरी। संजय जी ने मुझसे कहा था, नितिन दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम जब ये दो महानायक एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं, इसके बाद बहुत सारे ऐसे कथानक गढ़े जाएंगे, बहुत सारी ऐसी कहानियां लिखी जाएंगी जिसमें इनको एक दूसरे से लड़ते हुए भिड़ते हुए दिखाया जाएगा, ये पहली बार है और जो पहली बार होता है वो बहुत खास होता है। तो इसको कुछ इस तरीके से हमें प्लान करना है कि इनका ये कन्फ्रंटेशन एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हो दोनों ही कैरेक्टर्स के लिए। और सन 2017 में, जी हाँ, इन द ईयर 2017 अक्टूबर का महीना था और प्रलय का देवता के जो कथानक थी वो मैंने संजय जी को सुनाई थी। अगर आपको याद हो, आपके साथ एक आर्ट शेयर कर रहा हूँ, मेरी आदत है जब भी मैं कोई आइडिया जिस पे काम करता हूँ, सर ढूंढता हूँ, तो उसके लिए साथ साथ एक आर्ट जरूर बनाता हूँ। तो ये आर्ट जो था वो मैंने बनाया था, इसमें आप डेट देख सकते हैं 26 अक्टूबर 2017। ये सोशल मीडिया पे जब मैंने डाला तो बहुत सारे फैंस ने ये कयास उस समय लगाना शुरू किया कि नागराज जो है वो तौसी के साथ आ रहा है, और कुछ को लगा कि सर्वनायक सीरीज में आ रहा है, कुछ को लगा कि इन दोनों का 2-in-1 एक कोई कहानी प्लान हो रही है। तो जी हाँ, उस समय इसकी 2-in-1 कहानी जो थी वो प्लान हो चुकी थी। और सबसे मजे की बात आपको बताता हूँ कि ये जो कहानी प्लान हुई थी वो नागराज के इनिशियल 5 जो इश्यूज हैं, नागराज, नागराज की कब्र, नागराज का बदला, नागराज की हांगकांग यात्रा, नागराज और शांगो, इसके ठीक बाद प्लान हुई थी। जी हाँ, जैसे अभी आपने देखा बिल्कुल इसी तरीके से कहानी प्लान हुई थी। रीडर के तौर पर, ध्यान दीजिएगा, रीडर के तौर पर मैंने हमेशा ये चीज महसूस करी थी कि नागराज की जो 5 कहानियों की जर्नी है, जो नागराज और शांगो पे सिविल लैंड से निकलते समय खत्म होती है, उसके बाद एक अचानक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी लाइन, इन टर्म्स ऑफ आर्ट,
जब नागराज की खूनी खोज, खूनी यात्रा, नागराज का इंसाफ सीरीज शुरू होती है, वो अमेरिका पहुंचता है, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि राजा के पहनने में संजय जी ने कहानियों का जो दारोमदार था वो अपने मजबूत कंधों पर उठाया था और कहानियों में एक आपको ह्यूज, एक मैसिव लीप नजर आती है। Somehow I felt कि इन दो पीरियड्स के बीच में, जहां पे सिल्वरलैंड वाला एपिसोड खत्म होता है और जहां पे ये खूनी खोज खूनी यात्रा वाला एपिसोड शुरू होता है, एक कैविटी है। एंड आई वॉन्टेड टू फिल दिस कैविटी, मुझे ये कैविटी हमेशा से लगता था कि कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि जहां पे इस कैविटी को भरा जा सके। तो ये मैंने सर से कहा कि जो हम कहानी प्लान कर रहे हैं उसको हम लेकर के जाएंगे नागराज के शुरुआती 5 कॉमिकों के ठीक बाद। अच्छा, ये वो समय था जिस समय युगारंभ जैसी कोई चीज नहीं हुई थी और कहानी उस समय प्लान हो गई, कथानक पे काम हो गया और लिखाई इसकी शुरू होने के अपने स्टेज पे थी। और उस समय कुछ ऐसे परिस्थितियां उभरी जिसकी वजह से जो भी प्रोजेक्ट्स थे, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी थे, वो भी बंद हो गए और ये भी ठंडे बस्ते में चला गया। फिर उसके बाद सन 2020 में जब संजय जी ने राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की स्थापना करी, उनका मेरे पास फोन आया, मुझे ऑफिस बुलाया गया और जो सबसे पहली चर्चा हमारी जिन दो प्रोजेक्ट्स के लिए हुई वो थे नागग्रंथ और प्रलय का देवता। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जिस समय 2017 में हमने ये कहानी प्लान की थी उस समय इसका एक नाम सोचा गया था, उस समय इसका नाम रखा गया था नागराज और इच्छाधारी सांप का प्रतिशोध। तो इस समय जब 2020 में हम दोबारा इस पे काम करना शुरू किया तो संजय जी ने मुझसे सबसे पहली चीज कही, बेटा ऐसा कर, इसका सबसे पहले टाइटल बदल, इसमें क्रिंज है। तो हमें क्रिंज नहीं चाहिए, वो नॉस्टैल्जिया होना चाहिए, वो एक रेट्रो फील आनी चाहिए टाइटल में, बट क्रिंज नहीं होना चाहिए। तो फिर बहुत सारे टाइटल्स के ऊपर काम शुरू हुआ, बहुत सारे टाइटल्स रिजेक्ट किए गए और उसके बाद फाइनली हम पहुंचे प्रलय का देवता पे। प्रलय का देवता यूनानिमसली सबको पसंद आया और प्रलय का देवता पे काम शुरू हुआ। अब ये काम शुरू तो हो गया लेकिन एक जो अगले पड़ाव की अड़चन थी वो थी कि इसके आर्ट का, इसके चित्रांकन का कार्यभार कौन संभालेगा। यहां पर हमें जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी थी वो ये थी कि हमें एक ऐसा आर्टिस्ट चाहिए था जो कि नागराज और तौसीन दोनों के साथ पूरा न्याय कर सके, जो दोनों को कॉम्प्लीमेंट करे, जिसका आर्ट दोनों को कॉम्प्लीमेंट करे, जो कि बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों ने तौसी पढ़ा है वो जानते हैं कि कदम साहब जब बनाते थे आर्ट, उनके आर्ट में तौसी इतना एक खूबसूरत हीरो मटेरियल पूरे तरीके से जो नजर आता था, पौरुष से भरपूर, वो चीजें निकाल के लेके आना, एक उसका क्रोधी स्वभाव होने के बावजूद जिस समय वो गुस्से में भी आग लगा दूंगा, जला डालूंगा वाले उसके इमोशंस में भी उसका चेहरा जो है, वो उसके चेहरे पे खूबसूरती लेके आना, एक ऐसा आर्टिस्ट चाहिए था, जो कि बहुत मुश्किल काम है। और उस समय संजय जी ने मुझसे कहा कि आदिल खान पठान से काम करवा के देखते हैं। अब मैं इस बात पे थोड़ा शुरुआत में सशंकित था कि आदिल इस काम को किस तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने कहानी का एक सैंपल पेज आदिल को बनाने के लिए दिया और ये सैंपल पेज जो था वो प्रलय का देवता के क्लाइमैक्स से था। जी हाँ, क्लाइमैक्स से। क्लाइमैक्स का एक सीन है, मैं आपको दिखाता हूं। इस सीन से आप सभी वाकिफ होंगे, ये सबसे पहला सैंपल आर्ट था जो आदिल ने बनाया था। अगर आप एक बात पे ध्यान दें कि नागराज जो है इसमें, वो आज के समय का जो नागराज है, जैसा कंटेम्प्रेरी नागराज दिखाया जाता है, आपको वो नागराज नजर आ रहा है। तो जिस समय ये आर्ट बन के आया उस समय आदिल को फिर से ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि नहीं, हमें ये नागराज नहीं चाहिए, हमें क्योंकि अब युगारंभ हो चुका था राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता में और 5 कहानियां जो थी वो आ चुकी थी और हमें अब वही नागराज चाहिए था जो सिल्वरलैंड से निकला था। तो आदिल ने उसके बाद उस आर्ट पे रिवर्क किया और ये आप देख सकते हैं इस नतीजे पे हम पहुंचे।
और ये बहुत ही शानदार उन्होंने आर्ट जो बनाया, आपने ये अगर आपको ध्यान हो आपने एनिमेटेड टीजर देखा हुआ है प्रलय का देवता का, उसमें ये एक आइकॉनिक सीन है जहाँ पे नागराज और तौसी एक दूसरे से फेस ऑफ कर रही है, फेस ऑफ हो रहा है सर्प देश में, जी हाँ पाताल लोक सर्प देश में ये फेस ऑफ हो रहा है। और जिस समय आप प्रलय का देवता पढ़ रहे होंगे, प्रलय का देवता के क्लाइमैक्स में आपको ये सीन मिलेगा। जी हाँ, क्लाइमैक्स इस कहानी का पहले ही लिखा जा चुका था और उसका एक सीन, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कहानी का सबसे क्रूशियल पार्ट जो होता है वो उसका क्लाइमैक्स होता है। आप अगर एक कहानी को, एक किरदार को लेकर के काम कर रहे हैं, आपका होमवर्क हमेशा पुख्ता होना चाहिए, हमेशा पक्का होना चाहिए। और मैं हमेशा ये चीज मेंटेन करके चलता हूँ कि जब भी कहानी, कोई भी कहानी, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना, चाहे वो सर्वनायक ही क्यों ना हो, मुझे उसकी एंडिंग पता होनी चाहिए कि वो कहानी खत्म कहाँ जाकर के होगी। मैं कहानी को इधर उधर भटकने के लिए नहीं छोड़ सकता। इसने मेरा कॉन्फिडेंस जो था वो आदिल में बिल्कुल पक्का कर दिया कि आदिल बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है इसके आर्टवर्क के लिए। और इस तरीके से ये कहानी जो शुरू हुई वो इस अंजाम को पहुंची है। ये अंजाम भी है, ये आगाज भी है, ये आगाज है प्रलय का देवता का और बहुत ही शानदार आगाज है। आपको स्पॉइलर्स नहीं दूंगा, अंदर का एक आध पृष्ठ मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें एक्शन आपको नजर आए, स्पॉइलर कहीं से भी नहीं दूंगा। और अब हम आते हैं हमारे आदि पर्व नाग ग्रंथ के ऊपर। जिस समय मैंने नरकनाशक उत्पत्ति श्रृंखला समाप्त की थी, ठीक उसके बाद जो मैं सबसे पहला प्रोजेक्ट उठाने वाला था वो प्रोजेक्ट था नाग ग्रंथ। जी हाँ, नाग ग्रंथ यानी एक ऐसा ग्रंथ जिसमें नरकनाशक नागराज का पूरा यूनिवर्स हम डिफाइन कर रहे थे। और ये काम जो आपने एड देखा होगा, अगर नागरंग का जो सबसे पहला एड आया था उसमें आपको नागराज एक स्पेशल गेटअप में नजर आता है और कोबी, क्रोध केतु कोबी जो है वो भी एक स्पेशल गेटअप में नजर आता है। उस गेटअप के पीछे भी एक कहानी है, वो कहानी क्या है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मुझे अपने ये पूरी जो वार्ता है उसको स्पॉइलर फ्री रखना है वरना संजय सर मेरा सर तोड़ देंगे। तो इसीलिए मैं इस गेटअप के पीछे की कहानी आपको अभी नहीं बताऊंगा। जब आदि पर्व का अगला भाग नाग पर्व आपके हाथों में होगा उस समय आपको मेरे इस बात का मंतव्य समझ में आएगा कि नागराज के इस गेटअप के पीछे आखिर राज क्या है। और नागराज और कोबी के अलावा जो बाकी किरदार इस पूरे नागग्रंथ में आ रहे हैं, कुछ अंदाजा तो आप लगा चुके हैं, आप में से बहुत सारे लोग ये अंदाजा लगा चुके हैं। डोगा के बारे में आप जानते ही हैं कि डोगा केस में एंट्री हो चुकी है, और भी कुछ किरदारों को लेकर के आप कयास लगा रहे हैं, कुछ का आपको कंफर्मली पता है कि ये किरदार आने वाले हैं, तो उनके बारे में भी अभी मैं फिलहाल बात नहीं करूंगा। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि आदि पर्व हो चुकी, नाग पर्व का आर्टवर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इसका जो थर्ड पार्ट है आरण्यक पर्व, आरण्यक पर्व का स्क्रिप्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसकी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो करके आर्टवर्क के लिए जा चुकी है। इसका आखिरी पार्ट जो है विराट पर्व, जैसा कि नाम है विराट पर्व तो ये काफी विराट होने वाला है। इसके अंदर सब कुछ है जो आप आज तक नरकनाशक उत्पत्ति श्रृंखला से लेकर के आदि पर्व तक पढ़ते आए हैं, उन सारी चीजों का, नरकनाशक के पूरे जो एक उसकी लाइफ जर्नी रही है उसका समावेश आपको विराट पर्व में मिलेगा। और नागग्रंथ के बारे में एक बात मैं और कहना चाहूंगा, इसका चित्रांकन, हम हमेशा बोलते हैं हमारे बीच में जब ये बातें होती है, मैं संजय सर क्रिएटिव टीम पूरी बात करती है, तो हेमंत हमारे लिए मिस्टर डिपेंडेबल है, ही इज द वॉल, ही इज मिस्टर डिपेंडेबल, उनके आर्ट के ऊपर हम भरोसा करते हैं, हम भरोसा करके खेल सकते हैं कि हाँ हेमंत है तो वो कर लेगा। जब हम कुछ भी कहानी लिख रहे होते हैं, यूजुअली एक राइटर जब कहानी लिखता है तो वो ये ध्यान में रख के लिखता ही है, उसके जहन में बात होती है कि मैं ये कहानी किस आर्टिस्ट के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि हर आर्टिस्ट का कहानी को विजुलाइज करने का अपना एक अलग अंदाज होता है, एक अलग तरीका होता है जिस तरीके से वो विजुलाइज करता है। मुझे लगता है कि राज कॉमिक्स में आज तक अभी फिलहाल में जितने भी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से मैंने सबके साथ ऑलमोस्ट काम किया हुआ है, और जिसके साथ मेरी सबसे बेहतरीन ट्यूनिंग है दैट इज हेमंत। हेमंत के साथ वो मैं शेयर करता हूँ,
जहां पे मुझे सीन लिखने से पहले ये सोचना नहीं पड़ता कि आर्टिस्ट कैसे बनेंगे, मुझे पता होता है कि जब मैं ये सीन लिख रहा हूं तो ये हेमंत बनाएगा तो वो कैसे निकल के आएगा। उसमें भी सबसे बेहतरीन बात यह है कि जो मैं सोचता हूं उससे ज्यादा बेहतर वो सीन निकल के आता है। जाने से पहले एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, एक इल्तजा है, एक रिक्वेस्ट है कि अपनी आने वाली पीढ़ी को, जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको कॉमिक से जोड़ें, ये बहुत जरूरी है। हम जिस तरीके से कॉमिक कल्चर में बढ़े हुए, जिस तरीके से हम कॉमिक्स पढ़ते हुए बढ़े हुए, ये बहुत जरूरी है कि आज के बच्चे भी उन किरदारों के साथ वही जुड़ाव महसूस करें, उनका जीवन उन किरदारों से वैसे ही भरा पूरा रहे जैसा कि हमारा था। तो ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, मैं कहानियां लिख रहा हूँ, राज कॉमिक जिम्मेदारी निभा रही है, राज कॉमिक में संजय गुप्ता कहानियां निकाल रही है। अब ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप आने वाली पीढ़ी को इस कॉमिक्स के साथ जोड़ें। इसी के साथ आज आपसे विदा लेता हूं, अपना ख्याल रखें। अगर इतने लंबे वीडियो और इतने सारे डिस्क्लोजर्स के बाद संजय सर ने मुझे जिंदा छोड़ दिया और दूसरा वीडियो बनाने का मौका दिया, तो बहुत जल्दी फिर से उपस्थित होऊंगा। नमस्कार। ये थे नितिन मिश्रा जी, आशा करते हैं आपको उनके द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हुई दोस्तों, और आप पहचान गए होंगे कौन है नितिन मिश्रा जितने इतनी प्यारी सी कहानी लिखी। तो आशा करते हैं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो कैसा लगा आपको हमें लाइक करना ना भूले दोस्तों, और ये वीडियो हमने शेयर किया था आप लोगों की जानकारी के लिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।